अच्छा देखिए, बीजेपी की जो सरकार है ब्रजेश जी, जी उसकी भारतीय नारियों से एक मामले में बहुत मेल खाती है वो। हुँ. जैसे हमारे यहाँ भारतीय स्त्री जो है वो अपने पति को सब कुछ मानती है, बस उसका कहना नहीं मानती, वैसे बीजेपी की सरकार है ये जनता को देवतुल्य और सब कुछ मानते हैं, लेकिन जनता की कोई बात मानेंगे नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तेल कंपनियों को तेल निकालने की एक नई जगह मिली, आपकी जेब। जेब से तेल निकल सकता है, इसे आजमाने में हर्जी क्या है? निकालने का खेल चल रहा है। तेल कंपनियों को पता चल गया है कि जेब के भीतर धागों के रेशे में भी कुछ धन बचा हो सकता है, और उसे हर हाल में निकाल लाना। सिलेंडर 225 रुपए महंगा हो, अब इसमें कम भी होगा तो कितना कम होगा? क्या सिलेंडर की कीमत कभी 1 दिसंबर की कीमत पर लौट सकेगी? इसलिए आप देखेंगे कि 25 रुपए की कमी को मीडिया कितनी बड़ी हेडलाइन बनाएगा कि सिलेंडर हुआ सस्ता, लोगों ने ली राहत की सांस। देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार के हाथ में तेल के दामों को कंट्रोल करना नहीं है। बस खाली ये बता दें कि जब ये विपक्ष में थे तो क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं थी, जब ये प्रदर्शन करते थे पेट्रोल डीजल की महंगाई पर, तब इनको शायद इसकी जानकारी नहीं थी, या अटल जी की सरकार में ये जानकारी हासिल नहीं कर पाए। तब कांग्रेस की सरकार में गोभी और बैंगन और सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाते थे, दाम घटाओ दाम घटाओ। खैर, जो महंगाई बढ़ी है पेट्रोल डीजल और ये रसोई गैस की, पाकिस्तान इससे थर कांप रहा है, एकदम वो सर नहीं उठा पा रहा है। यही तो कयामत है, जब बेइज्जती है। जब तक लोगों का ध्यान जाए, बीच में हिंदू मुस्लिम डिबेट भी लॉन्च कर दो। मैं मुद्दों पर लाता हूँ दोस्तों, मैं अगले 2 मिनट पे ऐसे सवाल पूछूंगा कि देखिए, जय श्री राम के नारे पर सवाल किसने उठाए? जय श्री राम के नारे को सुन के, जय श्री राम का नारा सुनकर, अरे भाई जय श्री राम के नारे से कोई तंग होता? हाँ, ये संभव नहीं है। जय श्री राम के नारे पर, जय श्री राम के नारे पर आपत्ति किसने जताई? जय श्री राम के नारे को, यानी कि आपने सबको कहा कि जय श्री राम के नारे के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको नफरत है? जय श्री राम का नारा धार्मिक नहीं है। जय श्री राम के नारे पर संजीव उनियाल जी आपत्ति किसने जताई, पूछता है भारत। अमित शाह ने अगर पूछा कि जय श्री राम के नारे पर, जय श्री राम के नारे पर आपत्ति किसने जताई, जय श्री राम के नारे पर सवाल किसने उठाया? रेजू, ऐसी बात नहीं करते, देखो आराम से डिबेट करो और एक दूसरे की बात सुनो। मैं कह रहा हूँ जय श्री राम, क्या बंगाल में जय श्री राम के नारे से कोई परेशानी होती है क्या? जय श्री राम कोई बोले तो तंग आ जाते हैं आप लोग? क्या आप चाहते हैं कि कोई जय श्री राम नहीं कहे, तो फिर गुस्सा क्यों आता है? मैं समझ नहीं पा, जय श्री राम उसमें गुस्सा क्यों आता है? मैं इस मनोवैज्ञानिक स्थिति जो होती है आप लोगों की, जिसमें कोई जय श्री राम कहे तो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, ऐसा क्यों है? दूसरी तरफ ये भी लोग हैं आज जो पूछ रहे कब तक ये चलेगा, ये क्यों खिंचता रहेगा, तो मैं आज तक समझ में नहीं आया। ये बताइए मुझे, कोई जय श्री राम के नारे लगाए तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? मैं फिर से पूछूंगा, ये सवाल अब राजनीतिक ने पब्लिक मुद्दा बन चुका है। जनवरी महीने में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार तालाबंदी के दौरान, महामारी के दौरान, भारत के 11 अरब पतियों की संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वे अगले 10 साल तक मनरेगा का बजट उठा सकते हैं, सिर्फ 11। कम से कम 11 लोगों ने प्रतिभा के दम पर विकास किया है। इसी महामारी के दौरान 24% भारतीयों की एक महीने की आमदनी 3,000 रुपए से भी कम हो, 24% मतलब 32 करोड़ से अधिक भारतीय। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का। श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री नरेंद्र भाई मोदी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, फैसिस्ट नरेंद्र मोदी। अब खाली जीवन पर टैक्स लगाना बचा है, सांसों पर, बाकी सब टैक्स लगता रहा और लगेगा।